क्वेश्चन थर्टी टू है अ स्टूडेंट फिक्सेस अ वाइट सीट ऑफ पेपर ऑन ड्राॅइंग बोर्ड एक स्टूडेंट जो है ना एक ड्राॅइंग बोर्ड के ऊपर में एक सफेद कागज रगा लगा रहा है वाइट सीट ऑफ पेपर को लगा रहा है ही प्लेसेस अ बार मैगनेट इन द सेंटर एंड स्प्रिंकल्स सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैगनेट और इसके सेंटर में वो एक बार मैगनेट रखता है और इसके चारों तरफ एक समान आयरन फिलिंग्स को डालता है छिड़कता है देन ही टेप्स जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स अरेंज देम सेल्स इन अ सर्टन पैटर्न उसके बाद उसको धीरे से ठोकता है टेप करता है और ऑब्जर्व करता है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को एक सर्टन पेटर्न में एक निश्चित आकृति में अरेंज कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन ये है वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देम सेल्स इन अ पर्टिकुलर पेटर्न की जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पेटर्न में क्यों अरेंज कर लेते हैं इसका आंसर हमको देना है बी है विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाई द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट कौन सा फिजिकल क्वान्टिटी जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा है जो पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन्स है बार मैग्नेट के चारों तरफ और इसका सी है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमको दो प्रॉपर्टीज बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन जो है ना एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट टू से जस्ट का तस लिया गया है इसको समझते हैं इसमें हमको बोला जाता है कि एक वाइट पेपर लेना है आपने स्कूल में लिया भी होगा और किया भी होगा जिसको एक ड्राइंग बोर्ड में एक एधेसिव मटेरियल के द्वारा चिपका देना है और इस प्रकार के एक बार मैग्नेट को उसके सेंटर पर रखना है फिर उसके चारों तरफ जो लोहे का बुरादा है आयरन फिलिंग से है उसको रख देना है और धीरे धीरे जेंटली बोर्ड को हमको ठोकना है जब हम ठोकते हैं तो देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग से है ना वो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस टाइप का सेप वो ले लेते हैं और ये जो पूरा का पूरा सेप है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है ठीक है तो इसको हमने काफ़ी अच्छे समझा है तीस जो क्वेश्चन ए है जिसमें बोलता है कि वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेन देंसेल्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न द मैग्नेट टेक्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट तो देखिए इसका रीजन क्या है कि जो मैग्नेट है ना अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस को बनाता है एक रीजन के चारों तरफ बनाता है उसका एक प्रभाव रहता है देआर फॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस फोर्स इसी कारण से जो आयरन फिलिंग्स है यहां पे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि हमको मालूम है कि मैग्नेट जो है वो लोहे को आयरन को खींचता है सेम वही फोर्स ये लोग भी महसूस करते हैं द फोर्स दस एग्जर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न तो जो फोर्स ये फिल करते हैं उसी कारण जो आयरन फिलिंग है ना वो इस पैटर्न में आ जाते हैं जिस पैटर्न पर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके सेकेंड क्वेश्चन का ही आंसर है कि व्च फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट तो है मैग्नेटिक फील्ड लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो इसके दो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से इसका प्रॉपर्टी साफ दिख रहा है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसमें डेंसर होता है यहाँ पे ज़्यादा घना है साथ ही साथ ये जो है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और कभी भी एक दूसरे को एक क्रॉस नहीं करता अब देखिए इसके आंसर ए में लिखेंगे कि द एरन फिलिंग्स एरें देमसेल्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न बिकॉज इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंसड बाय दीज टाइनी मैग्नेट्स मेक दे मलाइन देमसेल्स एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स अब इसके आंसर बी में लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट अब इसके आंसर सी में लिखेंगे टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एज फॉलोइंग इसमें का पहला प्रॉपर्टी ये है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है और बी है दे आर क्लोज्ड द